Hello students, welcome to my channel. Dear students, आज मैं आपको OSI reference model करवाने जा रही हूँ. जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको PGD 1104 जो आपका course है PGDCA के students का वो करवा रही हूँ, data communication and networks. तो आपके सिलेबस में यूनिट वन में गिवन है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल. बोथ मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी OSI रेफरेंस मॉडल. OSI मॉडल करवाने के लिए मैंने फ्रोजन की बुक ली है, फ्रोजन की PDF ली है जो इजीली अवेलेबल है गूगल के ऊपर. तो जो OSI मॉडल है वो इन लेयर्स में डिवाइडेड है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, राइट. सो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ फिजिकल लेयर. बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट के साथ मेरे को मोटिवेट कर सकते हो, लाइक प्रेस कर सकते हो, राइट. सो OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप कल को इंटरव्यू देते हो या फर्दर स्टडीज करते हो उसमें भी OSI मॉडल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो OSI मॉडल जो है वो फिजिकल लेयर्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिजिकल लेयर के बारे में बताने जा रही हूँ. जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या क्या गिवन है. जो फिजिकल लेयर है मेन उसका वर्क क्या है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ना, तो आप फर्स्ट लाइन में लिख सकते हो दैट जो फिजिकल लेयर है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर. मीन्स जो फिजिकल लेयर है उसका मेन फंक्शन क्या है, बिट्स को क्या करना, मूव करना एक नोड से दूसरी नोड की तरफ, राइट. ये आप फर्स्ट लाइन लिख सकते हो या यहाँ से भी ले सकते हो कि जो फिजिकल लेयर है इट इज यूज्ड टू कैरी ए बिट स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल मीडियम. अब बिट्स जो है वो हमने मूव करना है तो नेचुरली उसके लिए फिजिकल मीडियम का होना जरूरी है. तो जो फिजिकल लेयर है इट डील्स विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस. मीन्स जो इंटरफेस इसमें यूज हो रहा है फिजिकल लेयर उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के साथ क्या करती है, डील करती है. ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स जो हम इसमें केबल्स यूज करते हैं उसके साथ डीलिंग करनी किसका काम है, फिजिकल लेयर का. सो इट आल्सो डिफाइंस द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस that physical devices and interfaces have to perform. और second इसका function क्या है कि जो physical devices use होती हैं उसके procedures को, उसके function को क्या करना, define करना, right. So this is the meaning of physical layer. आप ये diagram draw कर सकते हो कि ये एक node है, ये दूसरी node है, बीच में transmission medium है, तो इनके बीच में बिट्स जो है वो मूव होती हैं यूजिंग फिजिकल लेयर. नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर या फिजिकल लेयर्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट. ठीक है, सो द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेसेस एंड मीडियम की जो फिजिकल लेयर है इट डील्स विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस और मीडियम, राइट. इट आल्सो डिफाइन द टाइप ऑफ मीन्स हम किस तरह का ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर रहे हैं अपनी बिट्स को मूव करने के लिए, ये कौन डिफाइन करता है, फिजिकल लेयर. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स. सो द फिजिकल लेयर द डेटा कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स विद नो इंटरप्रिटेशंस. मीन्स जो फिजिकल लेयर है उसका काम इंटरप्रिटेशन करना नहीं है, बस स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो जीरो या वन के फॉर्म में होती है उसको क्या करना, मूव करवाना. सो
So to be transmitted, bits must be encoded into signals. Means जो bits है हमें उसको किस में encode करना पड़ेगा? Signals में, वो electrical signal भी हो सकते हैं और optical signal भी हो सकते हैं. So the physical layer defines the type of encoding. तो encoding की type कौन define करता है? Physical layer. So मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि जो physical layer है, it is concerned with the movement of bits. कि bits की movement के साथ concerned है, ठीक है? अब वो medium कौन सा है? उस मीडियम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना किसका काम है? फिजिकल लेयर का. नेक्स्ट इज डेटा रेट. द ट्रांसमिशन रेट, द नंबर ऑफ बिट्स सेंट ईच सेकेंड इज आल्सो डिफाइंड बाय द फिजिकल लेयर. अगर आपको ये लाइन नहीं लर्न होती तो आप ये वाली लाइन लिख लो जो सिंपल लिखी हुई है. द फिजिकल लेयर डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ ए बिट. कि जो बिट्स हैं उनकी क्या ड्यूरेशन रहेगी, कितने कितने सेकंड्स के बाद जो बिट्स हैं वो मूव होंगी, वो भी कहां से पता चलता है हमें? फिजिकल लेयर से. नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स. द सेंडर एंड द रिसीवर नॉट ओनली यूज द सेम बिट रेट बट आल्सो सिंक्रोनाइज्ड. मींस दोनों के बीच में क्लॉक यूज होगी डाटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए, राइट? तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स भी किस में यूज होती है? फिजिकल लेयर. नेक्स्ट इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन. द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद द कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द मीडिया. ठीक है, सो कनेक्शन क्रिएट करना मीडिया के साथ किसका काम है? फिजिकल लेयर का. In point-to-point configuration, two devices are connected through a dedicated line. अगर point-to-point configuration है तो दोनों devices आपस में कैसे connect होंगी? Using a dedicated line, link. Dedicated link क्या होता है? मैं आपको अपने video में बता चुकी हूँ. अगर आपने point-to-point video नहीं check करी तो आप वो video को check कर सकते हो. Next, physical topology. Topologies के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है. तो जो डिवाइसेस हैं वो कौन से टोपोलॉजी को फॉलो करेंगी? वो स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करेंगी, मैश को फॉलो करेंगी या रिंग को फॉलो करेंगी? ये भी किसका काम है? फिजिकल लेयर का. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मोड. द फिजिकल लेयर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस. अब थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं. वन इज सिंप्लेक्स. मीन्स सिंप्लेक्स मीन्स एट ए टाइम एक डिवाइस ही क्या कर, एक ही साइड से जो डाटा है वो क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है. हाफ ड्यूप्लेक्स मींस वन डिवाइस एट ए टाइम कैन ट्रांसफर ए डाटा. एंड फुल ड्यूप्लेक्स मींस जैसे फोन है, बहुत डिवाइसेस कैन ट्रांसफर डाटा एट ए टाइम. सो ट्रांसमिशन मोड को डिफाइन करना किसका काम है? फिजिकल लेयर का, राइट? जैसे कि यहाँ पे गिवन है, इन सिंप्लेक्स मोड only one device can send and other can receive. In simplex mode is one way connection communication. In half duplex mode, two devices can send and receive. So कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और कुछ वाइवा क्वेश्चन भी बनते हैं फिजिकल लेयर से. तो फिजिकल लेयर अभी मैंने आपको बताया, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो कि जो फिजिकल लेयर है वो किस किस के साथ कनेक्टेड है. तो फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद डेटा रेट. तो अगर हम थोड़ा सा रिकलेक्ट करें तो जो फिजिकल लेयर है इट इज कंसर्न्ड विद data rate, transmission mode means वो mode जो है वो आपका simplex होगा, half
या फुल ड्यूप्लेक्स होगा, ठीक है। या फुल डुप्लेक्स होगा। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को रेट और रिव्यू कर सकते हो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है parminderachievers@gmail.com। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है तो मेल के थ्रू आप बता सकते हो, फिर उसके बाद में आपको अपना जो है वो बताऊंगी कि आप अपना कंटेक्ट बताऊंगी, राइट। सो और मैं आपको बता रही थी और हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारी फिजिकल लेयर है वो हमारी हेल्प करती है सिंक्रोनाइजेशन करने में, ठीक है। सो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो हमारी फिजिकल लेयर जो है वो परफॉर्म करती है। तो आई होप कि आपको इसके सारे लाइन कॉन्फिगरेशन करना भी किसका काम है, फिजिकल लेयर का काम है। तो मेनली इट डील्स विद द बिट्स। तो जो ये है आपकी फिजिकल लेयर, ये मेन किसके साथ करती है, बिट्स के साथ। मेन कंसर्न विद द बिट्स। तो जब भी आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फिजिकल लेयर का, क्योंकि अलग बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं और हर लेयर का जो है वो अपना अपना फंक्शन है। सो इट इज कंसर्न विद द फिजिकल टोपोलॉजी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, सिंक्रोनाइजेशन, डेटा रेट। तो ये लाइन आपने अपने माइंड में बिठानी है कि जो फिजिकल लेयर है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते। Thanks a lot.